हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंजक्टिवाइटिस के बारे में आपको बताऊंगा। इसके पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, कैसे फैलता है और कब होता है, और इसे कैसे बचें, और अगर हो गया हो तो हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं खुद से। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इसे YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें ताकि इसके बारे में सबको पता चल सके। और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस जो अभी के समय में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसे आई फ्लू और पिंक आई भी बोलते हैं। ये एक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें आंखें लाल हो जाती है, आंखों से कीचड़ निकलता है और हमेशा आंखों में आंसू भरा रहता है, आंखों में दर्द होता है और कभी कभी सूजन भी होने लगता है। कंजक्टिवाइटिस अभी के समय में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, लगभग सभी राज्यों में काफ़ी तेजी से ये फैल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो एम्स है इसमें 100 केसेस पर डे देखने को मिल रहा है। ये जो कंजक्टिवाइटिस है इसे हम एपिडेमिक बोलते हैं, एपिडेमिक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एपिडेमिक वो होता है जब अचानक लोगों को कोई पार्टिकुलर डिजीज होने लगे और ये बहुत ही तेजी से अगर फैलने लगे तो इसे एपिडेमिक बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस जिसे आई फ्लू बोलते हैं ये कब होता है। तो आपको बता दूं कि ये बरसात के मौसम में काफ़ी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि बरसात के मौसम में टेम्परेचर में बदलाव होता है और नमी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके फैलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। तो बच्चों में ज़्यादातर होने के कारण कोई खास वजह नहीं है, बस ये है कि बच्चे केयरफुल नहीं रह पाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये कैसे फैलेगा, हम इसे बचें ये उसको पता नहीं होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके कॉपियाँ छूते हैं, उनके उनके साथ खेलते कूदते हैं, तो ये जाहिर है कि उनको ये होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि वो केयरफुल नहीं हो पाते हैं। तो आप बच्चों को भी इसके बारे में बताएं, इसके सिम्टम्स के बारे में बताएं, ताकि बच्चे भी ऐसे लोगों से और ऐसे अपने दोस्तों से वो थोड़ा दूरी बनाकर रखें। चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि ये कैसे फैलता है। तो ये इसके फैलने के कई तरीके होते हैं, जैसे ये पर्सन टू पर्सन फैलने के इसके चांसेस बढ़ते हैं, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से ये फैलता है। जैसे मान लो कि ये आपको किसी आपके फ्रेंड्स या आपके किसी रिलेटिव को ये हो रखा है, तो आप उनसे मिले, हाथ मिलाए या फिर उसके कोई वस्तु को आपने छुआ, तो उसके माध्यम से ये आपको हो सकता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के वस्तुओं को छूने से या फिर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको जाने से ये आपको हो सकता है, और उसके डिस्चार्ज से, डिस्चार्ज इट मीन्स उसने छींका हो या फिर खांसा हो, तो उसके जो डिस्चार्ज निकले, उसके जो ड्रॉपलेट्स निकले, तो वो आपके कांटेक्ट में आए, उसके माध्यम से आपको हो सकता है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए यही तरीका है कि आप लोगों से हाथ ना मिलाएं, थोड़ा सा दूरी आप मेंटेन रखें, और आपको अगर लगे कि कोई व्यक्ति अगर इससे इन्फेक्टेड है तो आप उनके वस्तुओं को ना छुएं, उनसे दूरी बनाकर रखें। अगर आप गलती से उसके किसी वस्तु को आप छू लेते हैं या फिर उसके कांटेक्ट में आप चले जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको धोना चाहिए ताकि इन्फेक्शन आपके अंदर ना जा पाए और आप कंजक्टिवाइटिस से आप बच सकें। इसके कई तरीके हैं बचने के, बस आप अपने आसपास साफ सुथरा रखें, आप साफ रहें और अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से हमेशा धोते रहें, जब भी आप बाहर जाएं या बाहर से अंदर आएं, घर आएं और खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को जरूर से जरूर धोएं, और अपने हाथों से आंखों को बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी वजह से आपके हाथों में बैक्टीरिया आ गया हो,
फिर आपने आँखों में टच किया हो तो उनसे आपके आँखों में इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसलिए अपने आँखों को बार बार बिल्कुल भी ना छुएं और भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप जाएं, और जाने के बाद फिर आप जब रिटर्न आओगे तो अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से आप सैनिटाइज करोगे और धोओगे। तो चलिए, ये तो था कि आप इसे कैसे आप बच सकते हैं, इसके प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को हो गया हो, किसी को आई फ्लू हो गया हो, तो वो कैसे बच सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अपने हाथों से बार बार अपने आँखों को छूना नहीं है। चलिए मानते हैं कि आँखों में दर्द होती है तो हाथ बार बार आँखों में चला ही जाता है, लेकिन अगर जब भी आप अपने आँखों को छुएं तो अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से धो लें या सैनिटाइज कर लें, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके हाथों में बैक्टीरिया आ जाएगा आँखों से, फिर अपने आपके हाथों से किसी वस्तु में जाएगा, फिर उससे किसी व्यक्ति को फैल जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि बार बार अपने आँखों को ना छुएं, और अगर छुएं तो अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से आप धो लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने आँखों को बार बार फ्रेश पानी से आप धोएं, और अपने आसपास साफ़ सुथरा रखें, गंदगी कहीं भी फैलने ना दें, क्योंकि इससे ही बैक्टीरिया उत्पन्न होती है और आपके शरीर में इफेक्ट शो करती है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप चश्मे का प्रयोग करें, क्योंकि जब भी आप अगर तेज़ लाइट में जाते हैं तो उनसे क्या होता है कि आपके आँखें बंद होने लगती है, तो चश्मे से आपको राहत मिलेगा। और जो वायुमंडल में जो डस्ट हैं और अदर पार्टिकल्स हैं जो आपके आँखों में जाने से बचेगा, तो आप चश्मे का प्रयोग करें, और साथ ही साथ आप मास्क का भी प्रयोग करें। जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क भी आप ज़रूर पहनें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर ये आपको स्टार्टिंग में हो रही है तो आपको मेडिकल में एंटीबायोटिक ड्रग्स मिल जाते हैं, इसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेस्ट होगा इसके लिए मैं एक और वीडियो दूसरा बना दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो में इसके एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में आपको बताऊंगा, इसके लिए कौन से ड्रग्स आपके लिए बेस्ट होगा। और एक और ख़ास बात, अगर ये आपको 3 दिन के अंदर अगर ठीक हो जाता है, 3 या 4 दिन में अगर ये ठीक हो जाता है तो फिर सही है। अदरवाइज अगर ये नहीं ठीक हो रहा है तो आप बिल्कुल भी अपने मर्जी से कोई भी दवा ना लगाएं, कोई भी दवा यूज ना करें। आप सबसे पहले आँख के डॉक्टर से आप दिखाएं, आँख का डॉक्टर ही आपको अपने हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, तो आप उनकी सलाह से ही आप कोई दवा लें, अदरवाइज अपने मर्जी से कोई भी दवा ना लें। अगर आप लेते भी हैं कोई दवा स्टार्टिंग में तो उसे 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी शो होने लगते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको मिली हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को आई फ्लू के बारे में पता चल सके और वो इनसे बच सके। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हो तो।